रेखा बॉलीवुड की वह अदाकारा है जिनका जब भी जिक्र छिड़ता है लोगों के जहन में कोई ना कोई किस्सा तैर जाता है। यूं तो रेखा को लेकर बॉलीवुड में कई तरह के किस्से दोहराए जाते हैं, लेकिन सबसे चर्चित किस्सों में एक किस्सा है उस रात का जब जया बच्चन ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया था, वो भी तब जब अमिताभ बच्चन घर तो क्या शहर में भी मौजूद नहीं थे। दरअसल यह किस्सा उस दौर का है जब हर अखबार व मैगजीन में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के किस्से छपते थे। अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें सुन उन दिनों जया काफी परेशान रहने लगी थी। वह चाहती थी कि किसी तरह उनका हंसता खेलता परिवार बच जाए। वहीं दूसरी तरफ शादीशुदा आदमी से प्यार करने के अपराध के कारण रेखा विलन बन गई थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि रेखा अमिताभ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। दरअसल बताया जाता है कि एक बार शूटिंग के सिलसिले में अमिताभ बच्चन का मुंबई से बाहर जाना हुआ। इसी बीच जया ने रेखा को खाने पर अपने घर बुलाया। इस इनविटेशन के आने के बाद पहले तो रेखा को काफी बेचैनी हुई और शायद वो इस बात को भी भांप चुकी थी कि जया उन्हें खरी खोटी सुनाने के लिए ही घर पर बुला रही है। हालांकि रेखा की उम्मीद से उलट जया ने रेखा की खूब खातिरदारी की। रेखा जब डिनर के लिए जया के घर पहुंची तो जया ने उनका अच्छे से स्वागत किया। जया ने रेखा से ढेर सारी बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में अमिताभ का जिक्र बिल्कुल नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट डिनर खत्म होने के बाद सामने आया। असल में जब रेखा डिनर खत्म करके जाने लगी तब जया ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जया ने रेखा से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। ये बात उनके लिए इस कहावत से कम नहीं थी कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, और रेखा भी इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उनके और अमिताभ के बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन मीडिया में जया और रेखा के डिनर पर खूब किस्से चले, लेकिन ना तो जया ने कुछ कहा और ना ही रेखा ने। जाहिर है रेखा को लेकर अमिताभ और जया के बीच कुछ भी ऐसा तो जरूर हुआ था जिसने अमिताभ को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो कभी रेखा के साथ काम नहीं कर पाए। जी हाँ, सिलसिला अमिताभ और रेखा के साथ में आई आखिरी फिल्म थी। दोनों के बीच इतनी दूरियां आ चुकी थीं कि अगर असल जिंदगी में भी कभी वो एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं तो नजरें चुरा कर निकल जाते हैं, लेकिन दिल ही दिल दोनों आज भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि 1973 में जया से शादी के कुछ सालों बाद ही रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें सुर्खियों में आने लगी थी। कहा जाता है कि 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के वक्त अमिताभ और रेखा करीब आए थे। हालांकि दोनों के प्यार की भनक जब जया को हुई तो उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के रेखा को अपने घर आमंत्रित किया था। हालांकि दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया, पर आज भी जब भी रेखा का नाम लिया जाता है तो अमिताभ का नाम अपने आप ही आ जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द वीओबी इंडिया।